पानी से भी एक ग्राम जरूर है, और रास्ते पर से सीम का भी मत। अरे मेट्रो यार बहुत फ्रॉड जो बन रहा है भाई, रास्ते पर सीम दे देगा सर। बैंगलोर में खासकर शहर में ऐसा ही होता है, लेकिन मैं बैंगलोर की बात कर रहा हूँ। अभी मैं बैंगलोर में हूँ इसीलिए मैं बैंगलोर का देखाऊँगा। और यहाँ पे बैंगलोर में एक और चीज़ है, कोई भी सामान खरीदने जाओ तो कंफर्म कर लो पहले से, नहीं तो बोलेगा 30 लेगा 35। बैंगलोर का एक और खासियत, पहले जब आपको बोलेगा कितने का है तो 30 का है, फिर बोलेगा कि भाई जब लेने के बाद नहीं ये तो 45 का दिया 40 का दिया, ऐसा करें। इसलिए लेने से पहले 100 बार सोचो। ये मेट्रो बन रहा है, ये आपको सिल्क बोर्ड से इधर इलेक्ट्रॉनिक सिटी की तरफ जाती है होसुर रोड। ये है बैंगलोर का मेट्रो, देख रहे हो कितना बिजी है। एक्सटेंड हो रहा है मेट्रो, बहुत दूर तक जा रही है, ये हसूर तक जाएगी सिर्फ बोर्ड से। हम अभी हसूर बोर्ड में, मैं इसका पाया देख रहा हूँ क्या बड़ा बड़ा लंबा लंबा। बैंगलोर में एक और चीज़ से सावधान रहना, मोबाइल। मोबाइल यहाँ बहुत चोरी होता है भाई, बस में चलती बस में आपके मोबाइल छीन के भाग जाएंगे आपको पता नहीं चलेगा। यहाँ पे सुनसान जगह में मोबाइल छीन लेते हैं पता नहीं चलेगा, अकेले जाते रहोगे मोबाइल कान में लगा के रहोगे मोबाइल छीन लेगा। इसलिए बैंगलोर में ये सब चीज़ों से सावधान रहे, मोबाइल कहीं भी सुनसान जगह पर ना निकाले, उसको अंदर वाले पॉकेट में रखें। हाँ बस में चढ़ते समय सामने वाले पॉकेट में ना रखें, बात करने के लिए ना निकालें जल्दी, हो सके तो जहाँ तक ब्लूटूथ का यूज करें मोबाइल। ये मैं खास करके जो हिंदी प्रदेश से आते हैं बैंगलोर में आउटसाइड कर्नाटका, उनके लिए मैं बता रहा हूँ कि बैंगलोर आओ तो कुछ बातों का ध्यान रखो। यहाँ पर बहुत मतलब बहुत तरह के प्रॉब्लम आ जाते हैं, आने के बाद आने समझ में नहीं आता। तो बैंगलोर ऐसा नहीं कि सेफ ही है पूरा, यहाँ मोबाइल चोरी भी बहुत होता है।